अंबेडकर जी को लेकर के उनके नाम में जो बदलाव आया है, मैं समझता हूँ नाम के साथ साथ, नाम तो कोई ऐसा नहीं जो उनका नाम ना जानता हो, जो देश का नागरिक है और जिसे ये पता है कि उसके पास अधिकार है एक वोट डालने का, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जरूर जानता हो। उनका सम्मान, उनका उनके से प्रेरणा लेने वाले लोग न जाने कितने मिल जाएंगे। आज जरूरी ये है कि जहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके नाम में और राम जुड़ रहा है, वहीं उनका दिखाए वो रास्ते पर कैसे चलें। मैं तो कहूंगा, क्योंकि आपने पूछा मुझसे कि गवर्नर साहब ने नाम जोड़ा है, सरकार जोड़ती है, मैं समझता हूँ अब जरूरी ये हो गया है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम संविधान की कुछ लाइनों को पढ़ लें। अगर कुछ लाइनों को पढ़ लेंगे, प्रीएम्बल को पढ़ लेंगे, तो शायद जो सदन में नाराजगी दिखाई देती है समाजवाद को लेकर के, वो दिखाई नहीं देगी। क्योंकि संविधान और जो आपका मूल है, वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म, समाजवाद के आसपास ही चीजें हैं। अगर कोई ये कहे सबका साथ सबका विकास, ये कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि में हो सकता है ये समाजवाद की परिभाषा हो, इस बात को वो मना नहीं कर सकते। तो कम से कम जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर राम जुड़ रहा है, राम जोड़ा सरकार ने, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कम से कम एक बार संविधान की वो सब लाइनें पढ़ लेनी चाहिए, और जिस समय वो संविधान की कुछ पंक्तियां पढ़ लेंगे तो शायद सदन में उन्हें नाराजगी नहीं होगी और न ये कहेंगे कि शेर भूखा है, शेर दूसरे का खाना खाता है। शेर कितना भी भूखा हो, सभी सरकारी अभियानों का यही नाम दर्ज होगा, लेकिन शेर शेर रहेगा। और कम से कम इस समय पर जो संविधान ने चीजें दी हैं, वो हमारे गरीब किसान, पिछड़े, दलित और जो छूट गए लोग, उनको मिल जाए, शायद ये सबसे बड़ी जीत होगी।